बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डिपार्टमेंट, जिसमें मतलब हम बोलिंग बैटिंग के बारे में बात करते हैं बट फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हम जो फील्ड में 15 से 20 रन रोक सकते हैं उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, और इस T20 में तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा बिकॉज बहुत करीब करीब है टीम्स एक दूसरे के, अगर हम बैटिंग बोलिंग देखते हैं ये फील्डिंग ही है जो डिफरेंस डालेगी। सवेरे मैं यहाँ पे बच्चों से जो मेरी अपनी टीम में मजाक तो एज अ मेंटोर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों से ही बात होती है कि देखें टीमों का पता चलता है फील्डिंग के अंदर कि टीम कितनी जेल है, कितना मैच जीतना चाहती है, कितना एंजॉय कर रही है फील्डिंग को। अगर मैं यही बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर सोचूं कि अरे 20 ओवर जल्दी जल्दी गुजर जाए मजाक के बैटिंग शुरू कर दूं तो इस तरह पे टाइम नहीं गुजरेगा और आप जितना बॉल से बचना चाहते हैं बॉल सबसे ज्यादा आप ही के पास आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग का रोल हमेशा से बहुत 60-70% मैचेस आप जीतते हैं फील्डिंग की वजह से। अगर आपको याद हो लास्ट मैच के अंदर बाबर का कैच छोड़ दिया था कवर पे, बाबर 70-80 रन कर गया तो कैचेस तो ये एक अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, इसको तो टीमों ने अवेल करना होता है, चाहे वो रनआउट की शक्ल में हो चाहे कैचेस की शक्ल में हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप अवेल करते हो और वही चीज आपको मैच जितवा देती है या मैच में बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग का अच्छा होना, अच्छे रनआउट, अच्छे कैचेस टीम का मोरल काफी हाई करती है और जीत में काफी मदद देती है। एब्सोल्युटली, एंड योर कैप्टन हैज टू लीड बाय एग्जांपल। हमने जो एक चीज़ और देखी है वो ये कि बाबर आजम ने जो है वो कप्तान होते हुए कुछ कैचेस उनसे छूटे और कुछ बड़े आसान कैचेस, आज भी बाबर ने एक आसान कैच छोड़ा है।